गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप आपके सन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स और डार्क सर्कल्स को कैसे कंसील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेकअप। राइट नाउ आई एम हैविंग डार्क स्पॉट्स ऑन माय स्किन, सो दिस इज द राइट टाइम टू शो यू हाउ टू कंसील योर डार्क स्पॉट। और आपके पास अगर यही ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो आप मेरे फेस पे डार्क स्पॉट्स देख सकते हैं, ये वाला जो है ये पिंपल है। तो सबसे पहले मैंने लिया है ऑरेंज करेक्टर फ्रॉम एले गर्ल। आप चाहे तो पीच क्रीम कंसीलर या फिर पीच या ऑरेंज कलर की लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने अप्लाई किया है मेरे अफेक्टेड एरियाज पे। तो यहाँ पे फर्स्ट टूल ये है कि आपको डार्क स्पॉट्स पे करेक्टर या कंसीलर या फाउंडेशन डैबिंग मोशन में ही लगाना है। सो हल्के हाथों से मैंने इसे डैब किया है। उसके बाद मैंने लिया है मिस क्लेयर का क्रीम कंसीलर और करेक्टर के ऊपर हल्के हाथों से उसको डैप किया है। फिर मैंने लिया है फाउंडेशन ब्रश, ब्रश की हेल्प से उसको अगेन डैबिंग मोशन में ब्लेंड किया है। अब मेरे फेस पे जो भी लाइट ब्राउन स्पॉट्स या सन स्पॉट्स है उसके ऊपर डायरेक्टली ये क्रीम कंसीलर मैं अप्लाई करूंगी और उसको ब्लेंड करूंगी। और ये मैंने अंडर आईज पे भी लगाया है। आप ये ब्लेंड कर सकते हैं ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। उसके बाद मैंने लिया है फाउंडेशन लॉरियल का। आप कौन से दूसरे ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डार्क स्पॉट्स पूरे कवर किए हैं, सो शीयर कवरेज वाला भी फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ये फाउंडेशन लगाना है फेस पे नॉर्मल आप जैसे लगाते हो। बस ध्यान रखें जहाँ पे करेक्टर लगाया था वहाँ पे डैबिंग मोशन में ही फाउंडेशन लगाए। आप बाकी फेस पे नॉर्मल बफिंग कर सकते हैं। तो आप मेरे फेस पे देख सकते हैं पूरे डार्क स्पॉट्स कवर हो गए हैं। पिंपल का बस इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, बाकी वो भी पूरी तरीके से कवर हो गया है। सो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।